विरोधी कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी को मुस्लिम विरोधी, मौका मिलते ही मुस्लिमों के लिए खूब दहाड़े मोदी, कभी कुरान तो कभी तीन तलाक पर आवाज उठाई, देश के मुस्लिमों के लिए मोदी सरकार हितैषी बनाई। क्या देश में एक तरफ जनता ने भाजपा को प्रचंड बहुमत के साथ जिताकर सत्ता की गद्दी पर बिठाया, बावजूद इसके देश में एक तमगा ऐसा है जो प्रधानमंत्री मोदी को लगातार मुस्लिम विरोधी बताने का प्रयास करता है और ये साबित करने के लिए वो कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ता। खासकर गुजरात में हुए दंगों के बाद देश के मुस्लिमों को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भड़काने के लिए प्रोपेगेंडा चलाया गया, जिससे कि देश के मुस्लिमों के वोटों में सेंध लगाई जा सके। अब हम प्रधानमंत्री मोदी के वो चार बयानों के बारे में आपको बताते और सुनवाते हैं, जिन्हें सुनने के बाद विपक्ष की हर चाल नाकाम हो गई और जिस मुसलमान को वो प्रधानमंत्री मोदी का विरोधी बता रहे थे वही मुसलमान अब प्रधानमंत्री मोदी का मुरीद हो गया। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पर लगातार मोदी विरोधी होने का आरोप लगता रहा। चुनाव में भाजपा किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं देती, जबकि हकीकत ये है कि अगर किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को बीजेपी टिकट देती है तो वो चुनाव जीतता नहीं है, क्योंकि देश में सियासी पार्टियों ने बीजेपी की छवि को मुस्लिम विरोधी बना दिया है। जबकि हकीकत क्या है, देश के प्रधानमंत्री मोदी के इन चार बयानों से पता लगा सकते हैं, जो देश के हर मुस्लिम को एक बार जरूर सुनने चाहिए। मुस्लिम महिलाओं के लिए तीन तलाक पर मोदी की दहाड़। साल 2014 में पहली बार मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, जिनकी छवि पहले से ही सियासी विरोधियों ने मुस्लिम विरोधी होने का ठप्पा लगा दिया था। बावजूद इसके प्रधानमंत्री ने मुस्लिम विरोधियों के लगाए उस ठप्पे की परवाह न करते हुए करीब दो साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक के दंश से आजाद करने का मन बनाकर हुंकार भरी। मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह कोई ऐसे ही टेलीफोन पर तीन तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। क्या मुसलमान बेटियों के हकों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या मुसलमान माताओं बहनों को रक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या मुसलमान बहनों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कुछ मुस्लिम बहनों ने अदालत में अपने हकों की लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने हमें पूछा कि आप भारत सरकार क्या कहती है, हमने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि माताओं बहनों पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। इस बयान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कुरान और कंप्यूटर पर बयान देते हुए सबको चौंका दिया और कह दिया कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। प्रधानमंत्री मोदी के ये अहम सलाह इस्लामिक हेरिटेज के कार्यक्रम के दौरान दी थी। पाँच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनौती थी 2019 लोकसभा चुनाव। यहाँ भी जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया, जिसके बाद संसद के सेंटर हॉल में मुस्लिमों को लेकर दमदार भाषण पीएम मोदी ने दिया। जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ। दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को उस छल में, उस छलावे में ऐसा भ्रमित रखा गया है, उसे भयभीत रखा गया है। अच्छा होता उसकी शिक्षा की चिंता होती, अच्छा होता उसमें से सामाजिक सार्वजनिक जीवन के भिन्न भिन्न स्तर के लीडर पैदा होते, अच्छा होता समाज के अन्य वर्गों की बराबरी में उनका भी आर्थिक सामाजिक विकास होता। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। 2019 में आज मैं एक जिम्मेवारी के साथ आपसे अपेक्षा करने आया हूं। अब जब संविधान को के सामने सर झुका करके आपके सामने खड़ा हुआ हूं, तब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें इस छल को भी छेद करना है। इस भाषण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिमों को लेकर एक और भाषण दिया, जिसके बाद देश का मुस्लिम प्रधानमंत्री मोदी का मुरीद बन गया। मुस्लिम बहन बेटियां, हमारी इस साफ नीयत को भली भांति समझती है,
हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है और हमने जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है उसने मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया है। लेकिन साथियों, जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा, जब मुस्लिम बेटियां एक एक 2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी, सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला इसके लिए गौरव गान करने लगी, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई। अब आप प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री मोदी क्या वाकई में मुस्लिम विरोधी हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।